इस वक्त हमारा मौजू है नॉलेज क्या है तो जब हम नॉलेज मैनेजमेंट का कोर्स देख रहे हैं तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ नॉलेज है आइए देखें कि नॉलेज की क्या डेफिनेशन है और यह किस तरह से इस्तेमाल में आता है तो नॉलेज जो है ये हाईएस्ट लेवल है उस हरारकी में कि जिसके बारे में मैंने बात की थी डेटा इंफॉर्मेशन एंड देन नॉलेज द रिचेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द थ्री कॉन्सेप्ट एंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इन दिस हर आर की इन्फॉर्मेसन दैट इनेबल्स एक्शन एंड डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन विद डायरेक्शन तो डेटा रॉ फॉर्म में होता है उसको जब हम ऑर्गनाइज करते हैं स्ट्रक्चर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बनता है और इंफॉर्मेशन को जब हम एक डायरेक्शन देते हैं उसको जब हम एक्शनेबल फॉर्म में लाते हैं तो उसे हम नॉलेज बोलेंगे तो नॉलेज इन एन एरिया इज जस्टिफाइड बिलीव्स अबाउट रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर एरिया ये एक डेफिनेशन आपके सामने है इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन होता है अब कुछ मैंने आपके लिए डेफिनेशन सेलेक्ट की है नॉलेज की कि किस तरह से एक्सपर्ट्स ने इसको एक्सप्लेन किया है इसमें सबसे पहले वीक्स uh, की डेफिनेशन है कि वीक्स ने इस तरह से कहा कि नॉलेज कंसिस ऑफ ट्रूथ्स एंड बिलीव्स पर्सपेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट जजमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस मेथडोलॉजीज एंड नो हाउ इट इज़ पोजेस्ड बाई ह्यूमंस एजेंट्स और अदर एक्टिव एंटिटीज़ and is used to receive information and to recognize and identify, analyze, interpret, and evaluate, synthesize, and decide, plan, implement, monitor, and adapt. that is, to act more or less intelligently. in other words, knowledge is used to determine uh, what a specific situation means, एंड हाउ टू हैंडल इट तो इस डेफिनेशन में आपने देखा कि इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस जब अप्लाई किए जाते हैं तो वो फिर नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है और नॉलेज जो है वो डायरेक्टली एक्शनेबल फॉर्म में आ जाता है आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं ये लॉन्ग मैथ की डेफिनेशन लॉन्ग मैथ की इंग्लिश की डिक्शन में दी हुई है द इन्फॉर्मेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग देट शू है्ड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस तो बड़ी सिंपल सी शॉर्ट uh, डेफिनेशन है कि आपकी वो इंफॉर्मेशन आपकी वो स्किल्स आपकी वो अंडरस्टैंडिंग जो आप लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं और आपके दिमाग का आपके जहन का एक हिस्सा बन जाती है उसको हम नॉलेज बोलते हैं इसके बाद ये गैम्बल एंड ब्रैकवेल्स की डेफिनेशन है ये एक और अंदाज से बयान करते हैं इसको Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, uh, contextual information, expert insight, and grounded intuition that provides an environment and framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and is applied in the mind of the knowers in organizations. It often बिकम्स एम्बेड नॉट ओनली इन डाक्यूमेंट्स और डिपॉजिटरीज बट आल्सो इन ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स प्रैक्टिस एंड नाम्स तो आपने देखा कि इस डेफिनेशन में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को भी मैंशन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूटीन चल रही होती हैं जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो असल में नॉलेज की ही एक शक्ल है नॉलेज uh, की एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो आप देखिए कि डेटा रिफर्स टू बेयर फैक्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अ फोन नंबर इंफॉर्मेशन इज डेटा इन कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अ फोन बुक एंड नॉलेज इज इंफॉर्मेशन दैट फेसिलिटेट एक्शन फॉर एग्जाम्पल रिकगनाइजिंग दैट अ फोन नंबर बिलोंग्स टू अ गुड क्लाइंट हु नीड्स टू बी कॉल्ड वंस अ वीक टू गेट हिज ऑर्डर तो वही जो डेटा था वो जब हमने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया फ़ोन बुक की शक्ल में और उसके बाद उसके साथ हमने कन्टेक्स्ट को जमा किया तो वो ज़्यादा यूजफुल फॉर्म में आ गया ज़्यादा एक्शनबल फॉर्म में आ गया तो उसको हम फिर नॉलेज बोलेंगे तो नॉलेज हेल्प्स प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन फ्राम डाटा और मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्राम लेस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो जब डाटा इन्फॉमेशन में कन्वर्ट होता है तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद और कन्टेक्स्ट और वैल्यू और पर्पस को साथ जमा करने के साथ वो इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है अब इस फिगर को देखिए इस फिगर में वो हरारकी को बयान किया गया है कि किस तरह से डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और फिर नॉलेज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ आप देखिए एक फनल लाइक -like ये फिगर है तो सबसे नीचे इसमें और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद या साइज़ में ये डेटा है डाटा देखिए और डेटा के साथ इन्होंने लिखा है फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर यूजफुल बट इन अनऑर्गनाइज मैनर और नॉट ऑर्गनाइज मैनर इसके बाद इसी डाटा में से इंफॉर्मेशन निकलती है इंफॉर्मेशन कंटेक्स्टलाइज है कैटेगराइज है कैलकुलेटेड है और कंडेंस्ड है और ये सारे ऑपरेशंस नीचे जो डाटा है उसी पर अप्लाई करने हैं इंफॉर्मेशन के बाद इसमें से फिर नॉलेज निकलेगा और नॉलेज क्या होगा कंटेक्टलाइज इंफॉर्मेशन नो हाउ परसपन्स स्किल्स एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस ऑफ द नोअर्स एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉइज तो इस तरह से ये एक हरारकी में तीनों कंसेप्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं